दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो से आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी भी गाय भैंस इस वजह से मरे जाए, इस वजह से उसको कोई नुकसान हो। क्योंकि सारा दिन मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, मुझे पता है कि पशुपालक अपनी रोजी रोटी का जरिया उसका दूध उत्पादन हो सकता है। तो कई बार आपके गाय भैंस को, पशु को शिकायत होती है ब्लोटिंग की, जो उसका पेट फूल जाता है काफ़ी ज़्यादा, और इसमें डेथ रेट भी काफ़ी जाता है, क्योंकि खाना पीना छोड़ देता है जानवर पहले तो, और उसके बाद उसका पेट इतना फूल जाता है कि फटने की नौबत आ जाती है। तीसरे नंबर पे उसका जो गोबर है और उसका जो पेशाब है वो बंद हो जाता है, यूरिन। तो ऐसी कंडीशन में एनिमल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहले तो आप उसकी जो ब्लोटिंग है उसको हल करना है। मेरे पास एक पाउडर है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, लेकिन बेसिक जानकारी जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो घर पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, वो आपको बताऊं। सबसे पहले तो आप उसकी ब्लोटिंग को सही करने की कोशिश करें। आप मिनरल ऑयल दे सकते हो, जो आपके घर पे सरसों का तेल होता है वो आधा लीटर के करीब आप दे सकते हो। उसके बाद लिक्विड पैराफिन होती है वो आप दे सकते हो, वो भी आप एक शीशी दे सकते हो आधा लीटर की। ये दोनों चीज़ें आप सबसे पहले कर सकते हो। उसके बाद जो एक मीठा सोडा होता है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, वो आप दे सकते हो, सोडा दे सकते हो। उसके बाद ये अनलॉक पाउडर है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, घर पे जो ट्रीटमेंट आप आसानी से कर सकते हो डॉक्टर के आने से पहले पहले, क्योंकि मेरे जाने से पहले कई बार जानवर काफ़ी ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो आप घर पे ऐसा ट्रीटमेंट करके रखना जो फर्स्ट एड आप दे सकते हो। उसमें आप एक तो मिनरल ऑयल दे सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हो थोड़ा सा, 2-3 चम्मच। और उसके बाद ये अनलॉक पाउडर है, 200 ग्राम की पैकिंग है, ये पूरी की पूरी आपको जानवर को दे देनी है। इससे जो कॉन्स्टिपेशन, इंफेक्शन और जो रूमन पे स्ट्रेस है, जहाँ कोई भी अनपचा खाना उसके पेट में, इंडाइजेशन वगैरह, वो सारी हल हो जाएगी। एक्चुअली ये आंतड़ियों को और पेट को खोलता है, इसीलिए इसका नाम अनलॉक है। पूरे का पूरा पाउडर आपको पानी के अंदर घोल के, एक घोल बना के थोड़ा सा थिक, जो एनिमल आसानी से खा सके या पी सके। अगर तो एनिमल आसानी से नहीं खा रहा, उसको नाल के जरिए उसका मुंह पकड़ के, जीभ के ऊपर नाल को रख के, आप नाली से उसको प्रदान कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो, मुझे पता है वीडियो की क्वालिटी कोई ऐसी अच्छी नहीं है, लेकिन जानकारी देना मेन मोटिव है मेरा। आपको वीडियो कैसी भी लगी हो आप कमेंट में बताना, और ये जानकारी आपके दोस्तों के साथ साथ आपके पशुपालकों मित्रों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, फर्स्ट एड आप दे सको। ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालूंगा, जो आप फर्स्ट एड घर पे दे सको और आपके जानवर को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं देख सकता। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है जब जानवर अपने प्राण त्यागता है, तो ये फर्स्ट एड आप दे सकते हो। और अगर आपके मित्र को या किसी को उसकी हवा निकालनी आती है ब्लोटिंग की, वो लेफ्ट साइड पे निकालनी होती है, जहाँ कोई भी वेटनरियन आपका हो उसको कह सकते हो, लेकिन बड़ी सावधानी से करना होता है। बाकी ये बेसिक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइस।